हेलो दोस्तों, आप सभी का आसास माइंडफुल लिविंग चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोटापे के बारे में बात करेंगे। आजकल एक बहुत ही बड़ी समस्या बन गया है जिसके चलते बहुत से लोग परेशान होते हैं। मोटापे का कारण क्या है और इससे बचने के क्या उपाय हैं, इस वीडियो में हम मोटापे के बारे में जानकारी देंगे और कुछ टिप्स भी बताएंगे जिससे आप मोटापे से बच सकते हैं। मोटापा एक ऐसी स्थिति है जहां पर शरीर में चर्बी का बढ़ना शुरू हो जाता है। ये अक्सर व्यायाम की कमी और असहिष्णुता के कारण होता है। इसके अलावा ज़्यादा कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन भी मोटापे का कारण बन सकता है। मोटापा होने से कई सारी बीमारियां भी हो सकती है, इसलिए इससे बचने के लिए अपनी दिनचर्या में व्यायाम को शामिल करना और पौष्टिक आहार लेना बहुत जरूरी है। मोटापे के कारण सबसे पहले हम देखेंगे कि मोटापे का कारण क्या है। मोटापे का सबसे बड़ा कारण व्यायाम और सामाजिक जीवन की कमी है। आजकल कई लोग व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल नहीं करते हैं जिससे उनके शरीर में चर्बी जमा हो जाती है। इसके अलावा अधिक कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों के सेवन से भी मोटापा बढ़ता है। अगर आपकी दिनचर्या में व्यायाम की कमी है और आप अधिक कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म धीमा होने लगता है और शरीर में चर्बी जमा होने लगता है। मोटापे के लक्षण अब हम देखेंगे कि मोटापे के लक्षण क्या हैं। मोटापे के लक्षण हैं अधिक वजन, शरीर में चर्बी, थकान, हृदय रोग, सांस लेने में परेशानी, कोलेस्ट्रॉल और शुगर की समस्या। मोटापे की जांच करने के लिए आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल या क्लिनिक में जा सकते हैं। वहाँ पर आपको कई तरह के टेस्ट करवाए जाएंगे, जैसे कि BMI, बॉडी मास इंडेक्स टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, शुगर टेस्ट, थायराइड टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आदि। ये सभी टेस्ट आपके शरीर की सेहत को देखने में मदद करते हैं। BMI टेस्ट आपको आपकी ऊंचाई और वजन के आधार पर बताता है कि आपका शरीर कितना स्वस्थ है। आपके डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लेकर आप इन टेस्ट को करवा सकते हैं और अपनी हेल्थ को मॉनिटर कर सकते। मोटापे से बचने के उपाय। मोटापे से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या में व्यायाम को शामिल करना होगा। रोजाना 30 से 40 मिनट तक एक्सरसाइज या कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने से आपका मेटाबॉलिज्म सही होता है और शरीर की चर्बी जलने लगेगी। इसके अलावा आपको अपने खान पान पर भी ध्यान देना होगा। आपको अपनी डाइट में ज़्यादा कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों को कम करना होगा और पौष्टिक आहार को ज़्यादा खाना होगा। स्वस्थ भोजन में सब्जियां, फल, दालें, दही, दूध और पनीर शामिल है जो आपके शरीर को पोषण देते हैं। आज हमने मोटापा, इसके कारण और इससे बचने के उपाय के बारे में चर्चा की है। अगर आपको कभी भी मोटापे के लक्षण नज़र आए तो आपको अपनी दिनचर्या में व्यायाम को शामिल करना होगा और अपने खान पान पर भी ध्यान देना होगा। इसके अलावा आप सही डॉक्टर से भी अपनी समस्या का इलाज करा सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर कमेंट्स, लाइक, शेयर कीजिए। चैनल के सपोर्ट के लिए और दिए गए बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको नई अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।